स्टार्ट करिए सर। जी देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी क्लास है पेपर डिस्कशन क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अभी हमने आप लोगों ने कल पेपर दिया है, अगर उसके अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप क्लियरली पूछ सकते हैं। वैसे तो पेपर्स में ऐसा कुछ डिस्कशन करने का इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो इसलिए डिस्कशन क्लासेस रखी गई हैं। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल वन लाइनर्स होते हैं, तो उसमें कुछ इतना समझने का होता भी नहीं है, लेकिन हर पेपर में दो चार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि शायद उसमें डाउट्स होते हैं आप लोगों को, तो वो उसको क्लियर करने के लिए ये क्लास है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है आपका, आवाज आ रही है मेरी? ठीक जी सर, है, पहला यस सर। क्वेश्चन है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि इसको किसी ने पूछा था आज ही मुझसे, कि क्या कहते हैं, इसका रेफरेंस मांगा था कि तारीख की पहली किताब, ठीक है, किसका क्या क्या कहते हैं, किसने मांगा था, है क्लास में रुशदाम था आई थिंक, सुबह में मुझे पूछा, ठीक है। तो ये तारीख की पहली किताब है कौन सी, क्या आंसर है इसका, कौन बताएगा? किताबुल मलूक यस, वाल किताबुल मुलूक वल अखबारी माजीन, ठीक अखबार। है। ये तारीख तिब आप उठाएंगे, तारीख तिब में जब आप क्या कहते हैं ये अशर कदीर साहब वाली, या फिर जो क्या कहते हैं दूसरी जो बुक है उसके अंदर आप पढ़ेंगे, तो जब स्टार्टिंग में मुकदमा आप पढ़ रहे होंगे, मुकदमे में ही लिखा हुआ है कि तारीख की जो सबसे पुरानी किताब है वो तारीखुल मुलूक वल अखबारी माजीन है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं इसका रेफरेंस, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बोल दीजिएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप बता दीजिएगा। किताबुल सर, इनके राइटर का नाम बता दीजिए प्लीज। मुलूक वल अखबारी माजीन के राइटर का नाम, जी ये तो मुझे मुझे लग रहा है उबैद बरहमी शायद करके नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद मुझे ऐसा कुछ सर, नाम बुक याद आ रहा में है। दे रखा है सर, मैं उबैद जरा यही रिसर्च, है, आगाज उबैद बिन यही है जो आप बता रहे उबैद ही हैं। है ना? जहरमी। जी हाँ सर, हाँ यही है। उबैद जरहमी करके ही नाम है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ फिर सर क्या बताया उनके राइटर का उबैद नाम? जरहमी, बिन सबरमा अंसारी, उबैद सर करके ही, उबैद जरहमी शायद लिखते हैं ज्यादातर जो मैंने पढ़ा है, कुछ पूरा नाम क्या है वो मुझे वो नहीं, लेकिन उबैद शेयर नाम कर है, दिया, ग्रुप में शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सिंपल क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं पूछना उस क्वेश्चन में, ठीक। तो आगे है आपका मूसली की माहियत, मूसली ये भी क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है, और जबकि इसको गलत तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, जड़ होती है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझने का ऐसा नहीं है। जहां पर किसी को कोई भी डाउट हो बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए, इस तागेरिया में पैदाइश किसकी हुई है? अरस्तु के, अरस्तु। यस yes. तो ये क्वेश्चन तो बहुत सर एक बार ज्यादा रिपीट अक्सर, करिए क्वेश्चन, क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। इस्ताग़ेरिया में पैदाइश हुई है, स्क्रीन चल रही है ना? सभी को स्क्रीन शो हो रही हाँ है ना? यस यस मैम। मैम, ठीक है। तो इस्ताग़ेरिया में जो पैदाइश हुई है वो पीछे मैम, वो अरस्तु की हुई है, इसको इम्पोर्टेंट करके आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जालीनोस का भी 2 साल से पूछा जा रहा है पर्गामोन का, तो
तो हो सकता है कि इस बार अरस्तू का पूछ लिया जाए उसके मक्का में पैदाइश। हाँ, चूने पर कौन सा अमल किया जाता है? सारे ही क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। जी, तो इस हब्बे पान की वजह तस्मिया, इसमें भी कुछ समझने का नहीं है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह। जुज़े खास पान है ऐसा नहीं है, बल्कि हब्बे पान का जुज़े खास क्या होता है बोलिए? सम्मुल्फार। बिल्कुल सिंपल है, सम्मुल्फार आप लोगों ने याद किया हुआ अच्छी तरह। तो सम्मुल्फार जुज़े खास होता है, तो जुज़े खास की वजह से तो नहीं ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, इनकरेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट अफ्यून, अफ्यून के साथ क्या होता है, कौन सी इस्तेलाह आती है अफ्यून के साथ? मुहम्मस। यस, मुहम्मस, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक है। लुक के साथ लुक के मौसूल कहा ही जाता है उसको, ठीक है। और फिर फाक्सी के साथ पाशीदा, आपको पता है जितने भी हमने तुख पढ़े हैं उसके साथ पाशीदा का लफ्ज आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल कवानीन, किताबुल कवानीन कामिलुस सना को कहते हैं, इसी के साथ इसका दूसरा नाम होता है किताबुल मुल्की। दोनों नाम इसके किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किताबुल मुल्की और किताबुल कवानीन, ठीक है। ये क्या है, एक गज लंबा, एक गज चौड़ा, एक गज गहरा, गड्ढा खोदकर उपले भरकर दरमियान में बूटा रखकर आग देना चाहिए। तो सिंपल सा है कि आपको याद किया हुआ है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, तो सिंपल है याद करना बिल्कुल, कि महाबारा गज बजर, मैंने आपको शेर की तरह इसको याद कराया हुआ है, ठीक है। तो महा से महापुट है, तो महापुट एक गज, सबसे छोटा एक गज होता है, ठीक है। फिर बारह कितना होता है, बारह जो होता है डेढ़ गज होता है, फिर उसी को हम वो कर देंगे बारह महाबारह गज, गज जो होता है तीन फुट होता है, वो तीन हाथ। फिर उसके बाद बजरपुट जो होता है, बजरपुट कितना, दस हाथ है, नहीं एक गज, सॉरी एक गज है, एक गज के बाद एक हाथ है, एक हाथ के बाद डेढ़ हाथ है, और फिर ये जो है महाबारह गज बजर, बजर के बाद डबल तीन है, ठीक है। तो एक गज एक हाथ, फिर उसके बाद डेढ़ हाथ, फिर तीन, फिर उसके बाद कपूत ककट शीतल महाबजर, ठीक है। उसमें फिर ग्राम में है, जहां से क्या कहते हैं, कपूत जो होता है 250 ग्राम, फिर कपूत ककट, ककट जो होता है कितना होता है, हाफ के जी, दो हाफ के जी हुआ, ठीक है। हाँ, शीतल महाबजर, शीतल जो होता है 1 kg, उसके बाद महाबजर 1 से 2 kg, 10 से 12 मन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये तो भूलने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 पतर। 40 पतर बिल्कुल सिंपल है कि उसको जो होता है किसके साथ होता है, जरनब को कहते हैं 40 पतर। हाँ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले प्रीवियस में, तो 40 पतर जरनब को कहा जाता है। फिर दवाए समीट का नफे खास, इलियाफुर रहम को सिकोड़ने की वजह से, तो समीट मतलब समेटना, तो ये जो होता है इलियाफे रहम, जो फाइबर्स होते हैं रहम के, उसको क्या कहते हैं, समेटता है, सुकेड़ता है एक तरह से, तो इसलिए इसको दवाए समेट भी कहा जाता है। तो दोनों क्या कहते हैं इसका वो है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट आएगा। सुरमे का मिजाज बारिद याबिस होता है, ठीक है, सुरमा ठंडा ही होता है मेनली, और याबिस खुश्क होता है। माइक बंद करिए, किसका माइक खुला है? चलिए। फिर कुर्स पर चांदी के वरक
चढ़ाना कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई लोगों ने गलत किया, जबकि ये क्वेश्चन तो कम से कम अहम नुकात में से गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो सीकल जो होता है, सीकल क्या होता है? सीकल करना मतलब जी गवास किसे बोलते हैं? क्या मैं गवास किसे बोलते हैं? इसकी जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बताइए। गवास तो उसको बोलते हैं ना जिसमें मतलब मैम ऐसी जो कोई धातु होती है जो ऐसे जम जाए कि अंदर बाहर मतलब उसका रंग आ जाए, ऐसे करके कुछ बात उसको बोलते हैं। और बाकी दोनों ऑप्शन? हेलो आवाज मैम। सलाया खिचड़ी। क्या मैम? सलाया जो थी वो पिसी हुई थी और सही सिल बट्टे पे पिसी वाले का वो बट्टे पे। हाँ सलाया ठीक है। उसके बाद है आपका सफूफ मुकलियासा का जुज़ खास हलेला होता है और ये ज़ल्क़ुल मैदा और अमाम मुफीद है। तो क्या कहते हैं इसके अंदर क्या होगा? सफूफ मुकलियासा का जुज़ खास हलेला तो नहीं होता है, तो सिंपल है सफूफ मुकलियासा का जुज़ हालून होता है। हालून होता है ठीक है। और सेकंड वाला ये सफूफ मुकलियासा जो होता है ज़ौफ़ मैदा में काम करता है, तो वो सही है। आगे चलिए। फिर है आपका फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इसमें क्या है? जरूर छींटा मारने की दवा। जरूर किसको कहते हैं? छिड़कने वाली दवा, छिड़कने की दवा को बोलते हैं। जी फिर उसके बाद आ जाइए सूरनजान। सूरनजान शीरी मुजीर है। किसमें मुजीर है? मुजीर आपने पढ़े होंगे तो उसके अंदर क्या कहते हैं? बोथ ए एंड सी। मैदा और अमा की जिगर और मैदा में। जी जिगर और मैदा में सूरनजान जो होता है मुजीर होता है, नुकसानदेह होता है। पारे के हमरा किसी धात को मिलाकर गोली बनाना कहलाता है कहलबंद। पहलबंद आपने जितने भी उसमें पढ़ा होगा अहम नुकात में ही है कि किसको क्या कहते हैं, तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो पारे के साथ अगर हम किसी धातु को मिला रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चहलबंद कहते हैं। बोया किसे कहते हैं? वैसे चहलबंद का और भी नाम है। चहलबंद का और नाम बताइए। अकद मलगमा और मलगमा बोया किसे बोलते हैं? बोया जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो बर्तन होता है क्योंकि चिकनी मिट्टी से तैयार किया जाता है। जल मुद्रा किसे बोलते हैं? पढ़ाई के प्याले के मकाम पर लगाते हैं कहते हैं उसे। और ये जो क्वेश्चन था पायरेथ्रम इंडिकम, इनमें से किसका नबाती नाम नहीं है? ये काफी लोगों का गलत हुआ है। मुस्तजला, शताब्दी और बीठा किरकरा तीनों इसके नाम है मैम, लेकिन शताब्दी का अलग दिया हुआ है। शताब्दी वो बड़ी सीन है शतावरी और ये शतावरी है। जी इसमें नहीं दिया हुआ है जामिल अदविया में, लिख लीजिएगा इसको। जी फिर उसके बाद आ जाइए आप मखसूस अदविया में गलत पैर की निशानदेही कीजिए। जी फेफड़े। फिर उसके बाद मामीरान फेफड़े के लिए कि कौन से अदविया किसके लिए मखसूस है? हाँ ठीक है। तो फेफड़े के लिए जो दवा होती है
कौन सी होती है और आब्रेशन किसके लिए होता है? कल्ब के लिए होता है मेनली, ठीक है। तो ये गलत होगा, हलक की शह तो कतूत स्याह होता है, उसके बाद आंख के लिए मामीरान खास दवा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ बोलो सर। आब्रेशम तो सदर के लिए दिया हुआ है इसमें, सदर के लिए, लेकिन मेनली फेफड़े के लिए नहीं है इतना खास दवा, पूरे सदर पे काम करेगी लेकिन फेफड़े के लिए जो दवा है खास वो उस हिसाब से वो क्वेश्चन गलत होगा। वैसे वो फेफड़े में भी काम होता है ऑपरेशन का कहीं ना कहीं, लेकिन मखसूस नहीं है उसके लिए, पूरे सदर में वो एक तरह से काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए मुश्क की मुद्दत हयात है, इसमें तो कुछ समझने का नहीं है, कितना 10 साल और 5 साल 15 साल किस किस की होती है, याद है किसी को? जी सर 5 साल ये जितनी मिट्टी के लिए मखदूम अरमनी किले अरमनी सबका है जी, और 10 साल 15 साल में ये मरवान मरवारीद। हाँ 15 साल में मरवारीद मरजान और 10 साल में ये, तो इसके साथ जो होती है जुंद बेदस्तर वगैरह मुश्क अंबर सब कुछ आता है। फिर आप आ जाइए इसमें क्या है, अशिया को बड़े पैमाने पर अर्क हासिल किया जाता है, क्या है जर अलकी, ठीक है आंसर जर अलकी आएगा इसके, नहीं ये देख भपका, जर अलकी किसको कहते हैं बोलते ना सर, नल भप, जर अलकी किसको कहते हैं सर? हमने तरवी का तरीका जिसमें रुई को ऊपर ऐसा रखते हैं और प्याले में साइड में रखते हैं सर, वो करते हैं मतलब जैसे अर्क निकालने को बोलते ना सर, उस तरह से मतलब वो जो टपक कर उसमें नीचे गिरते हैं सर, वैसा होता है नीचे प्याला होता है और ऊपर जो दूसरे प्याले में रखे ऐसा टपकाते हैं साइड में ऐसा रखते, ठीक। बाकी इसके अंदर करते हैं फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ जुज़े खास सफूफे खरदल, क्या है खस्ता सफूफे ज़ियाबितस तबाशीर, आगे मैम स्क्रीन करिए। खरदल और सुहागा है ना, का जी, तो इसमें करेक्ट जो है वो सजी सिमाक होगा, वो सिमाक को ही सिमाक कहेंगे, अलग है वो, क्या हुआ सफूफ जैबैतिस में जो है सिमाक है कि जो सिमाक को सुमाक कहेंगे क्या, वही है सुमाक ही है, कहाँ पर है उसका जुजे खास जो सिमाक लिखा हुआ है ना, वो सुमाक होगा ना, कहाँ क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है, सफूफ जैबैतिस का जो जुजे खास है सुमाक सफूफ जैबैतिस का जुजे खास क्या है, तो यहाँ पर तो हमने इनकरेक्ट है ना, यहाँ पर तबाशीर हमने दिया हुआ है, तो सिमाक में पूछ रही हूँ सिमाक वही सुमाक ही है ना कह रहे हैं, हाँ वही है सेम, हाँ हाँ नेक्स्ट, तुखम की कसरत से शमूलियत कौन से मुरक्कब में होती है, जी बनादिकुल बुजूर हब्बे हिदार जवारिस जरूनी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जवारिस जरूनी आंसर है इसका,
और ऑप्शन क्या है मैम ऊपर स्क्रीन? तो क्या कहते हैं जवारी जरूनी, जरूनी के अंदर तो तुखमियात होते ही और बनाजपुल बुजुर्ग भी। और क्या क्वेश्चन क्या है मैम क्वेश्चन एक बार दिखाइए। तुख्म की कसरत से शमूलियत, ठीक है, तो बनाजपुल बुजुर्ग भी उसके अंदर भी वही नाम भी उसका इस वजह से ही रखा गया। गोली जो होती है वो होती है बड़ी भी होती है एक तो, और फिर तुख्म भी उसके अंदर ज्यादातर होते हैं। ठीक है, मुरक्कबात का मौजिद जी अस्पलिबूस है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा। क्या क्वेश्चन है? मैच द कॉलम करेक्टली, तो इसमें शरबते सदर और क्या कहते हैं करेक्ट करना है क्या क्या है सीधा इसका आंसर वो कर दीजिए मैम मैच करने का इतना होने में। ठीक है, ये मैच करने वाला है, तो उसमें मैच करने में सबसे पहले तरीका यही है कि जो आपको ऑप्शन आ रहा हो पहले उसको मिलाया करें। हाँ बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको चार ऑप्शन है तो मैचिंग वाले क्वेश्चन तो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि मैचिंग के अगर 20 क्वेश्चन आए तो 20 के 20 आपके सही होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी चीजें पढ़ी हुई हैं तो। चार ऑप्शंस में से एक ना एक तो जरूर आपको आता होगा, एक आपका सही है तो आप उसी को सीधा करेक्ट करिए कि कहाँ पर कौन से ऑप्शन में वो वाला है। जिस ऑप्शन में वो वाला है हो सकता है कि दो ऑप्शन उस जैसे हों तो आप 50% पे तो 100% पहुंच जाएंगे कि आपको दो क्वेश्चन में से ही एक सिलेक्ट करना है। या ज्यादातर ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन होगा उसका, तो सिंपल होता है सबसे आसान होता है, तो इसमें तो समझाने का ऐसा नहीं होता कुछ। तो मैचिंग इंशाल्लाह आप लोग गलत नहीं करेंगे और करते भी नहीं है जल्दी। जी एक जानवर के खिलाफ हशवा के किसदार गुदद की खुश्कशुदा रुतूबत है, इसका नफे खास क्या है? मुश्क। बोलते हैं ना तो ये बताइए कि किस जानवर के खिलाफ हशवा की रुतूबत होती है? जी जुंद बेदस्तर। नहीं नहीं जुंद बेदस्तर आंसर नहीं है, जुंद बेदस्तर खुशिया का है। ये कस्तूरी मेहनत था ना? जी कस्तूरी मेहनत को ये आप क्या कहते हैं इसका भी किसी ने रेफरेंस मांगा था और फिर क्या कहते हैं आप जानू लदविया में ही लिखा हुआ है, आप हैवानी दवा पढ़ेंगे वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, माहियत आप देखेंगे माहियत के अंदर हैवानी दवा की, हाँ आप मुश्क पढ़ेंगे, मुश्क में साफ तौर पे एक जानवर के गिलाफे हशफा के किसदार गुदद की खुश्कशुदा रुतूबत, माहियत में मुश्क की माहियत में आप जाएंगे वहां पर लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद आप उसका अफाल भी वही होता है मुश्क का, मुकविया अजाय रईसा। ठीक है, इनमें से गलत की निशानदेही कीजिए। माउल बुजूर, माउल उसूल, माउल आसल। ठीक है आगे मैम, माउल बकूल सब्जियों का पानी, माउल शाइर। तो इसमें तीन गलत हुए। माउल शाइर क्या है? जौ को बिरिया करके हासिल किया, ये भी गलत है। जौ का पानी होता है लेकिन बिरिया करके नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका माउल उसूल, शहद का पानी नहीं होता बल्कि किसका? जड़ों का पानी होता है। और माउल आसल शहद का पानी होता है, यहाँ पर जड़ों का पानी है। तो 2, 3 और 5 इसमें गलत हो जाएगा। तो जो माउल आसल बिरिया करके है तो उसको क्या बोला जाए? माउल शाइर मोहम्मद मोहम्मद। फिर मैच द कॉलम करेक्टली जी, सीसा 1 से 3 साल, रसौद 2 से 1 साल, छिलके में बंद फल 3 से 200 साल,
फिर गर्म खुश्क रोगन 4 से 2 साल, तो इसमें क्या कहते हैं हमें करेक्ट देखना है, सीसा 1 से 3 साल, फिर गर्म खुश्क रोगन 4 से 2 साल, सीसा जो होता है ज्यादा होता है, कितना होता है सीसे की मुद्दत है यार 50 से 200 साल, ठीक है। फिर इलाजुल अमराज, इलाजुल अमराज किताब है किसकी, शरीफ खान, ठीक है। क्लिनिकल मेथड का मोजिद कौन है, जकरिया राजी है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, पता ही आपको। जरे अलकी से मुराद क्या है, हाँ तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, ये भी बताएंगे क्वेश्चन। अबरक के साथ मखसूस है जी, क्या होता है अबरक के साथ, महलूब, मुकशर, 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 नहीं नहीं महलूब ना, सॉरी सॉरी, मुकर्रस किसके साथ है, महलूब, महलूब, अब्रेशम, मुकर्रस, अब्रेशम, मुकशर, आब्रेशम के साथ, मुकशर, अफलासुस, अफलासुस, मुकशर, मुकशर जी। हराशिदा तुर्बुद, 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 गाजर, गाजर के साथ, ठीक है। वैड मैकम कहते हैं किसको कहते हैं, वैड मैकम, किताबुल मसाइल, किताबुल तहसीर और किताबुल तसरीफ और किताबुल मनाजिर, क्या क्या कहते हैं सबको, किताबुल मनाजिर को क्या कहते हैं, ठीक है, और किताबुल तहसीर को क्या कहते हैं, हेब्रियू जी, और उसके बाद क्या है ऊपर वाली बुक किताबुल मसाइल, क्या कहते हैं उसको, जी ठीक है, क्वेश्चनल मेडिसिनल कहते हैं किताबुल मसाइल को, किताबुल तहसीर को हेब्रियू कहते हैं, और फिर उसके बाद किताबुल मनाजिर था उसको एनोप्टिक कहते हैं। ये है क्वेश्चन क्या है मैम, क्वेश्चन मैच करना है, अच्छा इसमें मैच करना है, ठीक है। कॉस्टिक, इरिटेंट, एक्सप्रेसिव और डिफिकेटरी, और एक साइड है हालिक, आसिफ, काबी और नाजिर, इसमें ऑप्शन मिलाइए, बाकी चीजें देखिए, आपको क्या कहते हैं इरिटेंट आपने पकड़ा, ज्यादातर सब जानते ही होंगे इरिटेंट को लाजे कहते हैं, सबसे आसान है, चाहे बाकी पता हो ना पता हो, सीधा आपको बी का 4 कर देना है, बी का 4 आपको पता है, 4 ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शंस मैम, बी का 1, बी का 4, बी का 2, और फिर क्या कहते हैं नीचे वाला फोर्थ ऑप्शन क्या है, नहीं इधर इसमें जो हमने वो दिया है, हाँ बी का 4, ठीक है। तो दो जगह बी का 4 आया, 2 तो पहले ही निकल गए, हमें एक पता था, अब हमारे पास क्या है सीधा 50% पे हम पहुंच गए, हमें 2 में से ही एक सिलेक्ट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको आप जाएंगे फिर उसके बाद हमें देखना है कि उसमें से 4 जो ऑप्शन है कोई एक और आता है या नहीं आता है, अगर एक थोड़ा भी आपको आ रहा है तो आप सीधा उस पर पहुंच जाएंगे कि ये वाला तो इससे मैच हो गया, अब जो मुझे दूसरा आ रहा है उसको मैं मैच करके देखता हूं, ठीक है। तो सिंपल, अगर एक या दो हमें आते हैं तो, अगर दो आते हैं फिर तो 100% आपका हो ही जाएगा। सर अगर दो सही है और दो गलत है तो उसपे मार्क्स मिलता है, दो नहीं, दो सही है दो गलत नहीं होगा ना, अगर आपको दो ऑप्शन सही आते हैं तो आप खुद से मैच कर लेंगे कि कौन से वाले में कौन से ऑप्शन में वो दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, वो दोनों जो जहाँ पर जिस ऑप्शन में भी एक साथ पाए जाएंगे वो चारों के चारों आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, आप ऑप्शन मैच करेंगे ना, आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो जो 2 आपको आ रहे हैं जितना उसमें से वो सीधा आपको वो आप देखेंगे कि वो दोनों, अगर मुझे पता है कि A का 4 है या A का 3 है
तो चारों ऑप्शन में मैं जाऊंगा कि ए का थ्री कौन से वाले में है, ए का थ्री जिसमें होगा वही वाला आंसर होगा। आया समझ में? जी सर। जी, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जी, समय मुतलक सूरत नौइया से असर करती है, अनाज गजा मुतलक की मिसाल है, एक गजा बिलमादा असर करती है और जुजे बदन बनती है, दवा बिलमादा असर करती है और जुजे बदन बनती है। हमें क्या करना है इसमें? दवा जो होती है वो बिल कैफियत असर करती है। जी, दवा बिल कैफियत असर करती है, ठीक है, और जुजे बदन नहीं बनती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जी, रिफ्रेक्टोमीटर किसे कहते हैं? तमाम पहचानने के आले को कहते हैं, कुछ नहीं है इसमें। रिफ्रेक्टोमीटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोला हुज़ैफ़ा? मैंने बताए थे, दो नाम बताए थे इसके, स्पेक्ट्रोमीटर और रिफ्रेक्टोमीटर। हाँ जी, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। सर, आप रिपीट कर दीजिए क्या बोले? SUCRUMETER। SUCRUMETER और रिफ्रेक्टोमीटर दोनों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दवाल जाजिब वल माइज, ठीक है, मर्ज से छुटकारा दिलाने वाली अफलूनिया, दवाउल जाइब वल माइज किसे कहते हैं? अस्नासिया को, ठीक है, और अफलूनिया जुजे खास अफलून होने की वजह से ये नाम रखा गया है, तो इसमें हकीम की वजह से हकीम अफलीन। जी, तो इसके अंदर बोथ क्या कहते हैं, ओनली वन करेक्ट। इनका पहला निसाब किसने तैयार किया? मदरसा इस्कंदरिया से याहिया नहवी ने। जी, याहिया नहवी ने तैयार किया था, ठीक है, और कौन सा था, कौन सी किताबें थी उसमें? जवामिल अस्कंदरिया, जालिनोस की जो 16 किताबें, 16 किताबें। जी, ठीक है, फिर दौसुल हिकमत में अमराज निस्वा किस नौ में है, दूसरे में है, इसमें कुछ नहीं समझने का, बाकी में और क्या क्या है? गायनी कौन सा में? छठे नौ में अद्वियात का है ना? अद्वियान, ठीक, छठी का ही मैंने बताया हुआ था, ठीक है। फराबादीन का मौजिद कौन है? फराबादीन का मौजिद जालिनूस है, कभी किसी ने मुझसे रेफरेंस मांगा था, ठीक है, इसका रेफरेंस जालिनूस है। किस वजह से है फराबादीन का मौजिद जालिनूस? कौन सी किताब है जालिनूस की मुरक्कब के ऊपर? किताबुल मुरक्कबात, किताबुल अद्वियतुल मुरक्कब जालिनूस पढ़ा है किस? वो तो उसकी है, क्या बोलते हैं, उसकी है साबित इब्न कुर्रा की, साबित इब्न कुर्रा की है। और मुरक्कबात के नाम से कोई जालिनूस की किताब है? सब ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो है, ब्रिटिश मुरक्कबात नाम से ही है क्या? कोई कुछ कह रहा है, बोलो। ब्रिटिश फार्माकोपिया जालिनूस का, हेलो, आवाज मुझे कम आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सर, आ रही है। अच्छा, ठीक। सर, ये जो फिरदौसुल हिकमत का जो छठा बताया, इसमें क्या था? छठे में गायनी,
सर दूसरे में छठे में अद्वियात सर अद्वियात हिकमत फिर दौसुल हिकमत में जो है क्या कहते हैं टोटल इसके अंदर 7 अनवा होते हैं और दूसरी में गायनी है और छठे में जो है दवाएं हैं ठीक है क्वेश्चन तो हमने गायनी का ही पूछा है ना दूसरे में हाँ छठे में जो है अद्विया है दवाएं हैं ठीक है और फिर दौसुल हिकमत को जो है पैराडाइज ऑफ विजडम कहते हैं जी फिर मुसिल बिल औसर में शामिल नहीं है सारे होते हैं हलेला शरबत वर्द दोनों आते हैं तो बलेला इसके अंदर नहीं आएगा ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है मुसिल जितने मुसिलात के सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट है याद रखना एक आध क्वेश्चन अक्सर इसमें से आ जाता है जो ये 5-6 हैं फिर फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट जी तमाम आसिर दवाएं काबिज होती हैं तमाम रादे दवाएं काबिज होती हैं तमाम मुखद्दर दवाएं फाते बा होती हैं नशा पैदा करने वाली दवा एंटीब्लेंट कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या कहते हैं लास्ट वाली जो क्या कहते हैं 1, 2, 3 करेक्ट हैं कुछ नहीं है इसमें समझाने का जी नेक्स्ट सयाल को टब में भरकर उसमें मरीज को बिठाने के अमल को आफजन कहते हैं ठीक है इसका दूसरा नाम गुस्ल कदमी है नहीं है गुस्ल कदमी गुस्ल कदमी को क्या कहते हैं पाशोया ठीक है पाशोया कहते हैं गुस्ल कदमी को तो पहला सही होगा दूसरा गलत होगा मैच द कॉलम है फिर तो आप कर लेंगे किताबें हैं कौन कौन सी अच्छा नहीं ये वो है इस्तिलाहात ठीक है नेक्स्ट मौजिद कौन कौन से किसका कौन मौजिद है अच्छा ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैम अल कानून तिब की 5वीं जिल्द में किस चीज का बयान है मुरक्कबात का बयान है बाकी में क्या क्या था पहले में उम्र तबिया था जी एनाटॉमी था और अस्बाब सित्ता जरूरी नब्ज़ बौल बरास था दूसरे में कुल्लियात अदविया तीसरे में मुआलजात थे फोर्थ में भी मुआलजात थे और एंटीडोट जहर वगैरह का बयान है जहर का और एंटीडोट तिरियाक का 5वें में कराबादीन है कितनी कराबादीन है कितने मुरक्कबात हैं इसमें 750 ठीक है जी फिर सैलिसाइलिक एसिड होता है नाखूना में बहुत सारे लोगों ने गलत किया है जबकि 4 से 5 बार प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है एग्जाम के सैलिसाइलिक एसिड नाखूना में होता है ठीक है सर ये अल कानून फितिब और फिर दौसुल हिकमत को कहाँ से पढ़े इसको थोड़ा देखना है मुझे इसको तारीख तिब से ठीक से वज तुर्की का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है निसियान में वज तुर्की एक आम ही होता है भूलने के उसमें इसको यूज किया जाता है जी नेक्स्ट जी शीतलपुट में 1 से 2 किलो उपलों की आंच देते हैं इसको शरावपुट भी कहते हैं तो शीतलपुट हमने अभी कपूत ककट शीतल वहां से हमने किया कि कपूत जो होता है 250 ग्राम
फिर ककड़ जो होता है कितना, 2 से 3 उपले यानी आधा किलो, और फिर उसके बाद शीतल में सीधा आधे से हम 1 किलो पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद इसको शरावपुट भी कहते हैं, क्या कहते हैं शरावपुट किसको कहते हैं, संपुट को कहते हैं, शरावपुट इसको नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट है जी पेंसाओ। पेंसाओ किसकी किताब है, शीन नंग। जी शीन नंग की। और नीचंग किसकी किताब है ये बताना, किताब का ही नाम है, किताब का नाम है, बहुत जल्दी कोई बोला हुआंग की, नीचंग किताब का नाम है जी। बर्शाशा मकदार खुराक 0.5 ग्राम से 2 ग्राम इम्पोर्टेंट है, सब लोग अच्छे से याद रखना, जितनी भी इस तरह की दवाएं हैं उनकी मकदार खुराक आपको पता होनी चाहिए। मकदार खुराक कहाँ से पढ़े, मकदार खुराक तो क्या कहते हैं कहीं कहीं मेंशन होती है, इम्पोर्टेंट मैं बता ही दूंगा, जो 8-10 इम्पोर्टेंट है मैं डिस्कस कर लूंगा, उसको मैंने किया भी है पहले, बाकी मकदार खुराक के लिए फिर बुक्स वगैरह में इतना लंबा जाओगे तो बेकार की चीज है। मोचरस दरख्त सिंभल का गोंद है, स्पेलिंग मिस्टेक थी मेनली, वो सिंभल ही लिखा है। ठीक है, मोचरस दरख्त सिंभल का गोंद है, इसके अंदर दोनों रिक्कत सलीसुल बॉल कसरत है सैलानुर रहम में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सही है। ठीक है, सबसे पहले अनस्थेसिया का इस्तेमाल किसने किया जी, शुशरत इब्न हैसम। नेक्स्ट ऑप्शंस जी जालिनूस और ईसा बिन, हाँ ईसा बिन का हाल, ईसा बिन का हाल किस चीज का तबीब रहा है, तो किताब का नाम ऑप्थल्मोलॉजी आई के ऊपर, इसका वो है किताब कौन सी है, तस्किरतुल कहालीन जो है अमराज चश्म में आंखों पर पहली किताब है अरबी में। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है मैम, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, मैं गलत की निशानदेही करना है, गलत की निशानदेही, अच्छा माहियत इसमें दी हुई है, मरोड़ फली जो होती है वो क्या होती है, सही है पेटदार फली, मुर क्या होता है, गोंद होता है, तू भी सही है गोंद है, मामी सा मुर मक्खी होती, और फिर दिल से ये फल ऊपर जो होने वाली वो काले वाला फिलफिल सियाह जो होता है फल होता है। ठीक है, मैं सर जा उसमें तो तुख नहीं लिखा था बुक में, तुख नहीं पढ़े थे, फल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, जी कहाँ पे फल लिखा हुआ है, मैं बुक में फिलफिल सुर्ख जो है वो फल दे रखा था और ये जो स्याह है वो तुख में दे रखा था, तो फिलफिल स्याह को तुख में दे रखा है, हाँ वो गलत दे रखा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाया था कि ये सही हो जाए। जी नेक्स्ट है आपका सिंदूर, सिंदूर इज नोन एज ऑक्साइड ऑफ रेड, फिर उसके बाद ये सुर्ख जर्दी माइल वजनी सफूफ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन
जी मुरक्कब अल कुवा दवा के असल जौहर को अलग करने के बाद जो बाकी रहता है उसे क्या कहते हैं? फूक कहते हैं। फूक किसे कहा जाता है? कोई भी दवा जो होती है उसका सुफूल जो होता है। जी फूक के अलावा और क्या बोलते हैं? जी सुफूल कहते हैं। शरायते तजर्बा कितने हैं? 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं शरायते तजर्बा, याद है किसी को? इंसान का उसकी अर्थ और दवा का तजुर्बा, मर्ज मुफरद और क्या था, दवा की तासीर, दवा के कुवते मर्ज। तजर्बा जो है सबसे पहले बदन इंसान पर करना चाहिए, फिर उसके बाद जो दवा का तजर्बा है वो मर्ज मुफरद पर किया जाए। ठीक है, किसी को एक ही मर्ज हो तो ही किया जाए, उसके बाद ये नहीं कि किसी को 3-4 मर्ज है उन्होंने एक दवा का तजर्बा कर लिया। और दूसरा जो है दवा का असर जो है इब्तिदान जाहिर हो, और जो दवा का असर है वो दायमी हो। ठीक है, और इसके अलावा होता है कि दवा का जो क्या कहते हैं कुव्वत है वो मर्ज की कुव्वत के बराबर हो। तो ये करके 7 है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आप मैच कर ही लेंगे। सबसे आसान इसमें है कि अजवाइन खुरासानी का सबसे आसान है इसमें। जी क्या है अजवाइन खुरासानी का? एक ही इसमें है, ये डी का वन उससे मिला देंगे। फिर है उसके बाद कस्कोटा रिफ्लेक्सा इज बॉटनिकल नेम ऑफ टी मून। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। शराब कलील मकदार में मुकव्वी कल्ब होती है, शराब कसीर मकदार में मुहर्रिक होती है। जी हाँ, सिर्फ एक दूसरा सही है, दोनों सही है। शराब अगर ज्यादा मिकदार में रहेगी तो कल में नफूस करेगी, तो फिर उसकी वजह से वो मौतिक असर कल में वो करेगी, असर पैदा करेगी कल में। अगर वो ज्यादा मिकदार में रहेगी तो कल में नफूस करेगी जिसकी वजह से वो कभी कल होगी, और कलील मिकदार में रहेगी तो मौतिक असर। हाँ, फिर मिर्गी में इस्तेमाल किए जाने वाला मशहूर मुरक्कब है माजून जबीब। माजून जबीब इसका क्या होता है जिसे खास? मुनक्का। जी जबीब कहते हैं मुनक्का को। ठीक है, हाँ तो ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। अब किसी को कोई डाउट हो तो अभी बोल सकते हैं, वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है तकरीबन। सर जो वो फूक वाला क्वेश्चन था वो मुझे समझ में नहीं आया, जो दवा वो नहीं था दवाओं के असर को जौहर बचता है वो वाला मुरक्कब। कोई भी दवा जो होती है जब उसको मान लो कि तुम एक जोशानदा बना रही हो। ठीक है, जोशानदा बनाया होगा ना कभी? सर बनाया है। हाँ, तो जोशानदा जब तुमने गर्म किया, जोशानदा गर्म करने के बाद दवा को तुमने छान लिया, पानी निकाल लिया। अब जो दवा बची तुम्हारे पास वो बर्तन में जो दवा बची, पानी तो आप पी लिया जाएगा, दवा बचेगी खराब फेंकने के लिए, है ना, उसको कहते हैं सुफूल। ठीक, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं, ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। किसी को कोई भी डाउट हुआ करे, टेस्ट सीरीज वाले भी हैं आप लोग भी, सभी भी पूछ लिया करिए, मैसेज करके कॉल करके जैसे चाहें वैसे पूछ लिया करिए, लेकिन बस पढ़िए।
ठीक, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं क्लास एंड कर दूं। सर मैं क्लास एंड कर दूं।